अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, लजीज किचन बाय साफिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ और एक और नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हम नाश्ते में बनाने वाले हैं, और वो भी बनने वाली है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में, जिसे कहते हैं साबूदाने की खिचड़ी। देखिए दोस्तों, मैंने 250 ग्राम साबूदाना लिया है। इसे मैंने रात में भिगोकर रख दिया था, जो सुबह में उसकी साइज ये साइज हो गई है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे की सामग्री। सबसे पहले हमने लिया है 50 ग्राम शेंगदाने, इस साइज का आलू, एक आलू लिया है और उसे कट करके इस साइज में, ये शेप में कट कर लिया है। उसके बाद हमने लिया है थोड़ा हरा धनिया, उसके बाद हमने लिया है 10 से 12 कड़ी पत्ते के पीसेस, उसके बाद हमने लिया है आधा चम्मच जीरा, उसके बाद हमने लिया है 4 मिर्च और 6 लहसुन की पाक। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी शेंगदाना साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। सबसे पहले मैंने लिया है 50 ग्राम जो शेंगदाने लिए थे हमने, जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसे मैंने हल्का ब्राउन फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। अभी इसके बाद मैं ये शेंगदाने को ऐसे ही पीसने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जो शेंगदाने वो इसमें डाल दिए, अब मैं इसे पीस रही हूँ। दोस्तों, हमने शेंगदाने पीस लिए, अब हम इसमें पीसेंगे जो मैंने आधा चम्मच जीरा लिया था, वो हम इसमें डालेंगे वही मिक्सर के बर्तन में। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची और जो हमने लहसुन लिया था वो, अब वो हम इसमें डालेंगे। मैंने मिर्ची को धोकर ले लिया है, अब हम इसे पीसेंगे। दोस्तों, हमने लिया है एक कढ़ाई, अब हम उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। कुकिंग ऑयल रिफाइंड सोयाबीन मैं यूज करती हूँ हमेशा खाना बनाते वक्त, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। देखिए दोस्तों, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे जो हमने पोटैटो पीस किया था, जो मैंने इसमें ऐसे कट कर लिया था, इस साइज में, ऐसे शेप में, अब हम इसमें डालेंगे। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, हमें इस ऑयल में उसे हल्का ब्राउन फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो पोटैटो है वो हल्का ब्राउन हमें करना है। मेरा वीडियो एंड तक आप देखते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि साबूदाने की खिचड़ी 10 मिनट में कैसे बनती है। हमें जो इस गैस की जो आंच है वो बड़ी करनी है ताकि ये जो है जल्द से जल्द बन जाए। दोस्तों, हमारे जो पोटैटो थे वो लाइट ब्राउन हो गए हैं फ्राई करके, अभी मैं उसे साइड में निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म है, अब हम उसमें डालेंगे जो मैंने आपको बताया था 10 से 15 कड़ी पत्ता, मैंने जो कड़ी पत्ता लिया था 10 से 15 वो आप उसमें डालेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम इसमें डालेंगे जो मैंने लहसुन और मिर्च जो लिया था पीस कर, वो आप हम इसमें डालेंगे तीखे के लिए, और इसमें मैंने जीरा भी लिया था। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल जो था वो गर्म हो गया था, उसमें हमने मिर्ची और जो कड़ी पत्ता है वो डाला था पीस, जो मैंने आपको बताया था, इसे हमें हल्का ब्राउन करना है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने शेंगदाना लिया था पीस कर, वो हम इसमें डालेंगे।
और इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने फ्राई किए थे और इसे मिलाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे जो शेंगदाने हैं, वो साबुदाने, सॉरी, दोस्तों मैंने शेंगदाने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने साबुदाने डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम नमक डालेंगे। मैंने नमक आधा चम्मच लिया है, आप आपके स्वाद अनुसार नमक यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नमक डालने के बाद में अब हम इसे मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे ताकि नमक जो है वो सब तरीके से इसमें मिल जाए। देखिए दोस्तों, नमक डालने के बाद में हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ढक्कन ढककर रख देंगे ताकि जो साबुदाने हैं वो अच्छे से बन जाए। हमें इसकी जो आंच है वो धीमी करनी है। मैंने ये जो साबुदाने हैं ये वाइट कलर में बनाए हैं, आप चाहे तो येलो कलर में भी बना सकते हैं। हर एक का अलग अलग बनाने का तरीका है। हल्दी डालने से उसका कलर येलो हो जाएगा, बट हम ऐसे वाइट ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने वाइट ही बनाए हैं। देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद में ये जो हमारे साबुदाने की खिचड़ी है बनकर रेडी है, आप देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई है सर्व करने के लिए, तो हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम सर्व करने के पहले इसमें जो हमारा हरा धनिया हमने जो लिया था वो इसमें ऊपर से डालेंगे। ऐसे मैंने इसे बारीक कट कर लिया था हरा धनिया को। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो शेंगदाने की साबुदाने की जो खिचड़ी है वो बनकर ऑलमोस्ट रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसे ब्लू बाउल में मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ। ये जो हमारी खिचड़ी है ये सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में बनकर रेडी है, साबुदाने की खिचड़ी। ये हरा धनिया जो मैंने इसमें डाला है ये मैं हर डिश में डालती हूँ, क्योंकि हरा धनिया हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है हरा धनिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं नेक्स्ट डिश आप कौन सी खाना पसंद करेंगे। जिस किसी ने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो खिचड़ी मैंने बनाई है साबुदाने की खिचड़ी, ये सिर्फ मैंने 10 मिनट में बनाई है। जितनी अट्रैक्टिव लग रही है टेस्ट में भी वो उतनी अच्छी है। आप घर में ज़रूर ये डिश ट्राई करें, नाश्ते में, आप ब्रेकफास्ट में ये बना के बच्चों को भी और बड़ों को भी खिला सकते हैं।